दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमें जो है अपने बैंक स्टेटमेंट पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है, तो हम किस तरीके से अपने बैंक स्टेटमेंट पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है जिसे कि रेगुलरली आपके बैंक अकाउंट में कोई भी इनकम आ रहा है, तो उसके बेस पे आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कौन से बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, सारा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विथ लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाई आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आपका सिविल स्कोर 1750 के ऊपर होना चाहिए, यानी एक एंड दूसरी बात जो है आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम यानी कि रेगुलर इनकम जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट पे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे भी स्क्रीन देख सकते हो, जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इस इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है, जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट पे IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स है, वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड को मतलब बैंक स्टेटमेंट में किस तरीके से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, 10x रिवॉर्ड पॉइंट दैट डोंट एक्सपायरी है यहाँ पे। दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि जो इस पर रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलेंगे उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है, जैसे कि दोस्तों दूसरे क्रेडिट कार्ड है जिस पे अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो उस पे आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह लगता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अप टू 48 डेज के लिए। ओके, लोअर इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 9% से लेके 36 पर एनम तक। तो बेसिकली आपको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ें लगती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा, पैन कार्ड नंबर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह, ओके, वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई वगैरह करने के लिए। तो जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक 4 क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड, तीसरा है फर्स्ट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड और चौथा है फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड। इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसके बेनिफिट वगैरह जाने तो आप जान सकते हो, बट फिलहाल अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई वगैरह करना है। सबसे पहले तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा वेट करना है, जैसे कि लेट्स गेट योर इंडिया बेस्ट क्रेडिट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आप नेम एज पर आधार, आपका जो भी नेम है आधार पे जो नाम है वो आप यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे आधार कार्ड, जैसे कि हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जैसे कि राहुल संजय सोनौन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम अपना डालेंगे, उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए, बैंक के साथ जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आप डालिए, जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पे हम क्लिक करेंगे, गेट OTP पे क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे, उसको एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद यहाँ पे OTP जो आया है वो यहाँ पे हम डालेंगे, OTP यहाँ पे 130964, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो फिर से आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे कि आपको बता दे, थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा नेट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड डिटेल डालना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद करंट एड्रेस आपका यहाँ पे डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है। तो हमारा पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करंट एड्रेस डालेंगे, जैसे कि जो भी हमारा एड्रेस है वो डालेंगे, उसके बाद हम अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे,
प्रोसीड पे जैसे हमने क्लिक किया, फिर से आपको थोड़ा वेट करना है। जितना प्रोसेस होगा दोस्तों हम उतना आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे। आई डोंट नो हमारा ये क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा। ठीक है, हमारा जो है सिविल स्कोर यहाँ पे लगभग 757 है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमें मैसेज भी आ गया है, डियर राहुल संजय सोनी, योर एप्लीकेशन नंबर IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इज करंटली अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, ज़रा हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे या सैलरी, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप सैलरी कर सकते हो। ओके, उसके बाद कंपनी नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंपनी नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपका जो भी इनकम है मंथली वो आप यहाँ पे डालिए। इनकम डालने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद आप उसका बैंक का नाम डालिए, करंट वेरिएंट आप यहाँ पे डालिए, जैसे कि आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ पे डालिए। तो उसके बाद करंट कार्ड वेरिएंट, यानी कि आपका अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो माइजोन का क्रेडिट कार्ड आता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है, वो आप यहाँ पे डालिए। अगर आपका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप मिलियनेयर डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक का 2 क्रेडिट कार्ड है, अमेजोन का भी है, फ्लिपकार्ट का भी है। तो हम यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाता है कार्ड का डिटेल। तो यहाँ पे हमारा बस क्रेडिट कार्ड जो भी ओल्ड है, बस क्रेडिट कार्ड को उन्होंने फ्लिपकार्ट में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास माइजोन भी है, तो माइजोन क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसका जो भी करंट लिमिट है वो हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे 25,000 उसका लिमिट है हमारा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंडिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू आ रहा है। रिस्क जैसे कि यहाँ पे वेट कीजिए, जैसे कि हम थोड़ा वेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑफर हमें शो कर रहा है कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो है अप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे कि आपको वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हमें लिमिट मिलता है या हमारा जो कार्ड है वो डिक्लाइन होता है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि लुक लाइक यू विल हैव टू वेट फॉर द योर क्रेडिट कार्ड, जिसका हमें थोड़ा वेट करने के लिए बोला गया है, जैसे कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए हम डिटेल वगैरह भेजेंगे। तो होम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई वगैरह कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका अप्रूव वगैरह होता है आपको यहाँ पे एक लिमिट प्रोवाइड करेगा। लिमिट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आप बैंक स्टेटमेंट आप वहाँ पे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद विद इन 2 या 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपका कार्ड जो है फुल्ली अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ। अगर अप्रूव होता है तो 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड जो है आपके एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।